वरिष्ठ बीजेपी प्रवक्ता गौरव भाटिया हमारे साथ जुड़ गए हैं। गौरव जी, आपसे यही सवाल मेरा कि गुजरात में तो जीत गए और वहां पर प्रचंड बहुमत आपको मिला है, लेकिन हिमाचल की हार के लिए क्या जिम्मेदार, क्या रोजगार एक बड़ा मुद्दा वहां पर रहा जो आपके खिलाफ गया? देखिए, सबसे पहले तो ये कहना चाहूंगा कि गुजरात और हिमाचल की जनता का आभार व्यक्त करता हूँ। गुजरात में ऐतिहासिक जीत हुई है। कभी ऐसा नहीं हुआ कि 7 बार लगातार चुनाव कोई पार्टी जीती हो। केवल पश्चिम बंगाल में लेफ्ट के साथ ऐसा हुआ था। और ये ऐतिहासिक जीत सिद्ध करती है कि श्री नरेंद्र मोदी जी का जो विकास मॉडल है, जो गुजराती अस्मिता नरेंद्र मोदी जी से जुड़ी है, जो गुजरात के लोग उन्हें अपना लाल मानते हैं, उस पे मुहर लगी है। और आप कह रही थी वहां तो जीत हो गई, केवल जीत नहीं हुई है, आज तक कभी भी इतिहास में गुजरात विधानसभा में किसी पार्टी की इतनी प्रचंड जीत नहीं हुई है जो भारतीय जनता पार्टी की हुई है। मेरी आवाज एको कर रही है, इसको ठीक करवा लीजिए प्लीज। अरे, आवाज की गूंज तो देखिए आपकी कितनी, 150 सीटों के पार पहुंच गई है गौरव जी। नहीं, ये बड़ी बात आपने कही है। देखिए, वाकई सरकार रिपीट होना इतने सालों बाद भी, 27 साल बाद भी, वो जो एक चीज जिसका जिसकी बार बार चर्चा होती है ना कि सरकार रिपीट होने के साथ स्वीप, क्या केवल एक फैक्ट? हालांकि कांग्रेस इस बात पर बहुत आलोचना कर रही है और वाजिब है ये सवाल भी उठाना कि जब गुजरात का श्रेय प्रधानमंत्री को दिया जाता है तो फिर हिमाचल की नाकामी उनके साथ क्यों नहीं जोड़ी जाती है? इस सवाल का जवाब आप देना चाहेंगे? आपके जो इस समय अभय दुबे जी हमारे साथ हैं कांग्रेस से, उन्होंने ये सवाल उठाया है बीजेपी पर। नहीं, कांग्रेस पार्टी को सवाल उठाने की बजाय, श्वेता जी, मैं समझता हूँ आत्मचिंतन करना चाहिए। एमसीडी के चुनाव के परिणाम आए, 9 सीटें आई सिंगल डिजिट, और जैसा यहाँ पे आपका चैनल दिखा रहा है, गुजरात में 17 सीटों पे सिमट गई। पिछली बार 77 आई थी, मतलब 60 सीटें कम। हम पे सवाल उठाना चाहे उठा सकते हैं, आप भी सवाल पूछ सकते हैं, लेकिन अगर कांग्रेस पार्टी की जगह कोई और होता तो इस वक्त वो ये चिंता कर रहा होता कि एक नई नवेली पार्टी आती है और वो आपके पैरों के नीचे की जमीन खिसका ले जाती है। हमारा वोट परसेंटेज जो है गुजरात में वो 4% के आसपास बढ़ा है, हमने ऐतिहासिक जीत दर्ज करी है। तो कांग्रेस को पहले अपनी चिंता होनी चाहिए, हमसे सवाल ना पूछे। आज जनता ये सवाल पूछ रही है कि जब आप प्रधानमंत्री जी को रावण बुलाते हैं, झूठों का सरदार बुलाते हैं, आप कहते हैं औकात दिखाएंगे, तो इस प्रचंड बहुमत के बाद किसकी क्या राजनीतिक हैसियत है, ये सबके सामने आ गया है श्वेता जी। चलिए हम सीधा राजस्थान चलते हैं जहां से हमारे साथ सचिन पायलट इस समय जुड़े हैं। सचिन जी, ज्यादा चिंता का विषय क्या है हिमाचल प्रदेश में, मतलब ज्यादा खुशी या चिंता, हिमाचल प्रदेश की जीत या फिर गुजरात में लगभग सूपड़ा साफ? मैं तो समझता हूं कि लोगों को चिंता नहीं, चिंतन करना चाहिए। और ये बात सही है कि गुजरात में जो परिणाम आए वो हमारी उम्मीद से बहुत कम थे। आप भी जानती हैं कि पिछले 5 सालों में जब हमारी 77 सीट आई थी, उसके बाद से लगातार पार्टी में लोग छोड़कर गए, कोचिंग बीजेपी नहीं करी और तमाम तरह के कारण हुए। हम विश्लेषण करेंगे हम इतना हमारा परफॉर्मेंस बुरा क्यों रहा। रही बात बाकी चुनावों की, तो हिमाचल में जैसा कि आप जानते हैं कि एक स्पष्ट बहुमत की तरफ हमारी पार्टी को वो लोगों का आशीर्वाद मिल रहा है। और मैं समझता हूँ कि ये बात बिल्कुल ठीक है कि अगर ये हिमाचल नड्डा साहब का गृह राज्य है, प्रधानमंत्री जी ने, गृह मंत्री जी ने, रक्षा मंत्री जी ने, यूपी के मुख्यमंत्री जी ने, इस छोटे से राज्य में इतना सारा उन्होंने ताकत और असला लगाया, बावजूद उसके वो डबल इंजन वाली बात पार नहीं पड़ी और एक स्पष्ट बहुमत कांग्रेस को मिला है। ये है, मैं तो इस जनादेश को बड़ी विनम्रता से स्वीकार करता हूँ, इसमें कोई घमंड की बात नहीं है। लेकिन जो फायर पावर, जो संसाधन, जो ताकत, जो मशीनरी का प्रयोग किया गया, उसके बावजूद हम लोग जीते हैं। ये अपने आप में उत्तर भारत में बहुत समय के बाद हम लोग भाजपा को हरा पाए हैं, ये एक अच्छी बात है लोगों के लिए। बहरहाल, जो बाकी चुनाव परिणाम आए हैं, चाहे वो दिल्ली के एमसीडी के हों या गुजरात के हों, वो निश्चित रूप से चिंता का विषय है, उस पर हम लोग काम करेंगे। ऐसा नहीं है कि पार्टी ने पहले गुजरात और दिल्ली में चुनाव नहीं जीते हैं, और ऐसा नहीं है कि हम आगे भी नहीं जीतेंगे, लेकिन परफॉर्मेंस हम लोगों को बेहतर करनी पड़ेगी, इसमें कोई दो राय। इस्तेमाल किया जाता है सचिन जी,
गुजरात में कितना इस्तेमाल हुआ उसका वो सबके सामने है। हिमाचल प्रदेश में प्रियंका जरूर गई, लेकिन एक चीज में जरूर आपके स्ट्राइक रेट का जिक्र जरूर करूंगी, 24 सीटों पर जहां पर आप प्रचार के लिए पहुंचे थे वहां कांग्रेस जीती है हिमाचल प्रदेश में, तो मेहनत होगी तो नतीजा मिलेगा ना? नहीं नहीं, मुझको जिम्मेदारी दी थी, मैं हिमाचल प्रदेश का ऑब्जर्वर था पार्टी की तरफ से, और जब आप मुझे कोई जिम्मेदारी दी है तो पूरी शिद्दत से पूरी मेहनत से उसको हमने निभाया है, और हर सभी लोगों ने करा है जिसको जो जिम्मेदारी दी गई हिमाचल में, क्योंकि मेरे इन्वॉल्वमेंट ज्यादा थी, मेरी जिम्मेदारी ज्यादा बनती है। और मैं नहीं, प्रियंका जी ने तो निश्चित रूप से वहाँ पार्टी में बहुत वही रहे वो 10-15-20 दिन और लगातार कैंपेन किया, मैंने भी किया और लोगों ने भी किया, पर एक सामूहिक नेतृत्व हमारी पार्टी का था। बहुत तो कहते थे कि वहां पर हमारा कोई चेहरा नहीं है, बड़ा आपस में झगड़े हैं, ग्रुपिज्म है, तो हम चुनाव नहीं जीत पाएंगे, लेकिन मेहनत से, स्ट्रेटेजी से, शेयर हार्डवर्क से अच्छा कैंपेन करें। मेहनत कर कमिटमेंट के साथ पार्टी कार्डर्स को विश्वास में लेकर हम काम करेंगे तो हम जीत सकते हैं। आपके राज्य में भी चुनाव होना है, तो जिस तरीके से हिमाचल में फुल फोर्स लगाकर कांग्रेस ने काम किया, अपने बड़े चेहरों को उतारा, वैसे ही फुल फोर्स में राजस्थान में भी देखने को मिलेगा, या फिर जो गुजरात में हाफ हार्टेड अटेम्प्ट था वैसा ही कुछ होगा? नहीं नहीं, सवाल ही नहीं उठता, राजस्थान में हम सरकार बनाएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। मैं अति आत्मविश्वास से नहीं बोल रहा हूँ, मैं जानता हूँ उस प्रदेश को काफी अच्छी तरह से, और अभी 13-12 महीने हमारे चुनाव में, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, इन तीनों स्टेट में हमारे चुनाव होंगे, और मुझे पूरा विश्वास है कि हम लोग चुनाव जीतेंगे, पूरी ताकत से लड़ेंगे, और अभी से हम तैयारी हम लोग कर रहे हैं, पार्टी कुछ कदम उठाएगी भी, लेकिन नई ऊर्जा के साथ, नए विश्वास के साथ हम तीनों स्टेट में चुनाव के लिए उतरेंगे और जीतेंगे। हिमाचल प्रदेश में अग्निपथ स्कीम आपको लगता है कि थोड़ा सा बैकफायर की है बीजेपी के लिए, क्योंकि राजस्थान में वही चीज हो जाती है, वहां पे बहुत बड़ी आबादी है जो सैनिकों की रहती है, चाहे फॉर्मर हो या फिर जो सर्विंग हो या फिर जो जाना चाहते हो फौज में? देश में जो हालात है आप जानते हैं, अब ये कहना कि अग्निपथ क्योंकि गुजरात में कामयाब नहीं हुई और हुई ये सब, लेकिन देश में आम तौर पर लोग मानते हैं कि जो खिलवाड़ किया गया है, जिस स्कीम को जल्दबाजी से लाया गया है, सेना के अंदर जो तब्दीली की है, वो बहुत सारे नौजवानों को बहुत चिंतित है और बहुत उनको पीड़ा इस बात से है। महंगाई है, बेरोजगारी है, अनएम्प्लॉयमेंट रेट हिस्टोरिकली हाई है, और देश में कोई बहुत आर्थिक स्थिति बेहतर नहीं है, लेकिन प्रचार से, विज्ञापन से, इश्तिहार से सारे चुनाव जीते जा सके ऐसा नहीं है, और मैं कोई भी चुनाव जीता है मैं उसकी एबिलिटी को कम नहीं आता हूँ। अगर बीजेपी ने 6-7 बार चुनाव गुजरात में जीता है तो उनको शुभकामना देता हूँ मैं, लेकिन ये ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि हम चुनाव अगर जीत गए तो सारे काम हमने किए वो ठीक है, पब्लिक हमारी हर बात को एक्सेप्ट करेगी, सारे देश के समूचे भारत के मतदाताओं की हमारी जेब में है, इस प्रकार की सोच नहीं रखनी चाहिए। हार जीत होती रहती है, विश्लेषण करना चाहिए, और हम लोग निश्चित रूप से, क्योंकि गुजरात में हमारा परिणाम बहुत अच्छा नहीं रहा बल्कि काफी बुरा रहा मैं कहूंगा, हम लोगों को आत्मचिंतन करना पड़ेगा, और वो ऐसा स्टेट है जहाँ पे हमारा पार्टी का वोट शेयर हमेशा लगभग 40% हुआ करता था, तो ये बात तो सही है कि दूसरी पार्टी आई है, विपक्ष की वोट का विभाजन हुआ है और भाजपा को उसको सीधा लाभ मिला है, इसमें बहुत अधिक गणित की जरूरत नहीं है, वो जब ऑपोजिशन वोट डिवाइड होगा तो ऑब्वियसली जो सिटिंग पार्टी है, रूलिंग पार्टी है, उसको फायदा मिला है, इसलिए उनके जो आंकड़े आज आए हैं इसलिए आए हैं। सचिन जी, गुजरात की हार का विश्लेषण आपकी पार्टी कैसे करेगी, और हिमाचल में वो तीन बड़े फैक्टर्स जो आपके लिए काम कर गए, रोजगार, ओपीएस, अग्निवीर? देखिए क्या काम किया मैंने आपको बताया कि हमारे जो वादे थे हम लोगों ने क्या नौकरियों के वादे किए, हमने बहुत सारे जो लोकल इश्यूज थे हिमाचल के, वहाँ पे सेब की खेती बहुत होती है, ऑर्चर्ड फार्मिंग, वो सब लोकल इश्यूज को हमने जहन में रखा, हमने कुछ वादे किए, कमिटमेंट किए पब्लिक को, और वो सारे वादे लोगों को पसंद आए होंगे। बीजेपी ने बहुत कोशिश की, देखा देखी, बहुत से संकल्प निकाले, बहुत सारी बातें बोली, लेकिन विश्वसनीयता वो कायम नहीं कर पाए क्योंकि शासन जो 5 साल का था वो संतोषजनक नहीं था। और गुजरात में विश्लेषण हम करेंगे क्योंकि मैं समझता हूँ गुजरात में हमारी पार्टी स्ट्रांग है, परफॉर्मेंस बिल्कुल आप मैं कहता हूँ बहुत निराशाजनक रही, लेकिन ऐसा नहीं है कि मैं गुजरात भी कैंपेन करने के लिए गया था, गुजरात में हर गांव में, हर तालुका में, हर ब्लॉक में, जिले में कांग्रेस का वर्कर है, कांग्रेस के समर्थक हैं, उनको पुनः दोबारा गैल्वनाइज करना, उनका विश्वास को जीतना, और पब्लिक में एक नए रूप में हम जाएंगे गुजरात में, तो वहां पर भी हम आने वाले समय में कामयाब हो सकते हैं, तो चिंतन तो जरूर करना पड़ेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन देखिए ना, हिमाचल में ये ट्रेंड रहा है राजस्थान की